सकते दोस्तों, ये है मुंबई की महानगर पालिका। आपने बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा और मेरे भी ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने दिखाया है ये जगह आपको। लेकिन देख सकते हैं आज जो है ना दोस्तों, कुछ अलग है, इसको अलग से इसको सजाया गया दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो, एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ फिलहाल अभी मुंबई के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर। दोस्तों कल है 15 अगस्त और आज है 14 अगस्त और अभी लगभग दोस्तों रात के 9 बजने वाले हैं और रात के 9 बजे हम आपको दिखाएंगे दोस्तों यहाँ जो CST स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है, वो स्टेशन को कैसे सजाया गया दोस्तों, मैं आज की ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। मैं अभी फ़िलहाल उसी जगह पे हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुंबई की सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये सबसे जो मुंबई की सबसे ज़्यादा जो बिजी शहर है, ये CST शहर है। देख सकते हैं मेरे पीछे और इधर आप देख सकते हैं, ये है मुंबई की नगर पालिका, महानगर पालिका दोस्तों। तो मैं आपको पूरा आज की ब्लॉग यहाँ पे दिखाता हूँ और यहाँ जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी फुहारे वगैरह लगाए गए हैं, पूरा लाइटें वगैरह सजाया गया। कल की तैयारी पूरा आज की ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपसे अनुरोध करता हूँ, वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मुंबई की महानगर पालिका। आपने बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा और मेरे भी ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने दिखाया है ये जगह आपको। लेकिन देख सकते हैं आज जो है ना दोस्तों, कुछ अलग है, इसको अलग से इसको सजाया गया दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में 78वां साल सेलिब्रेट मना रहे दोस्तों, आज़ादी के आज 78वां साल कल मनाने वाले, उसकी खुशी में ये देख सकते हैं दोस्तों लाइटें वगैरह लगाई गई और मेरा हमारे जो देश के जो तिरंगा झंडा ना, वो पूरा लाइटों से मतलब दर्शाया गया। देख सकते हैं नीचे ग्रीन कलर है, बीच में वाइट है, ऊपर देख सकते केसरिया कलर है और वहाँ पे चक्र भी दर्शाया गया दोस्तों। देख सकते हैं और ये बिल्डिंग खूबसूरत सा बिल्डिंग है और यहाँ पे जितने भी पब्लिक आ रहे हैं ना, सारे पब्लिक फ़ोटो वगैरह खींच रहे। देख सकते हैं आपको देखने को मिलता होगा, जितने भी पब्लिक आते हैं ना, सारे इस बिल्डिंग को फ़ोटो खींचे। और इधर आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मुंबई के CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, जो है ना ताजमहल के बाद अगर कोई बिल्डिंग का फ़ोटो अगर कोई खींचता है तो दोस्तों, तो ये वो बिल्डिंग है जो ताजमहल के बाद दूसरे नंबर में ये आते हैं, जिसकी फ़ोटो खींची जाती है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। देख सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब लगा है। यहाँ पे देख सकते घर घर तिरंगा, यहाँ पे ये लगाया गया, देख सकते ये। और इधर दिखाते हैं आपको, इधर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लगाए गए लाइट। देखो देखो यहाँ से क्या ज़बरदस्त सीन दिख रहा है, देखो बहुत ही ज़बरदस्त सीन दिख रहा है। और उधर और यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ एंकर वाली आई शायद, देखो सकते हो दोस्तों। मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ क्या खूबसूरत, यहाँ पे गेट वगैरह गेट लगा दिया गया, ये खुला रहता है, अंदर जाके लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन देख सकते हो पूरा गेट लगा है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा था मुंबई के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूं गेट ऑफ इंडिया ताज होटल के सामने, आप देख सकते हैं ताज होटल, और ताज होटल को भी लाइटों से सजाया है दोस्तों, ये बहुत से ज़्यादा लाइटों से सजाया गया। देख सकते हैं पीछे आपको दिख रहा ना लाइट, क्या ज़बरदस्त दिख रहा है दोस्तों। देख सकते ये है मुंबई की ताज दोस्तों, ये ताज होटल है, 5-स्टार होटल। तो देख सकते दोस्तों इसको भी लाइटों से सजाया गया और मैं अभी था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन और यहाँ मैं अभी आपको नाइट में दिखा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ दोस्तों। अभी 10:11 हो चुके हैं, अब देख सकते हैं ये नाइट का ज़बरदस्त व्यू है, यहाँ पे पब्लिक आपको दिखेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक इतने कि आप पूछ नहीं सकते दोस्तों। रात में यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं रात में, देख सकते हैं। अब ये है मुंबई की ताज होटल और उधर गेट ऑफ इंडिया अभी बंद कर दिया गया दोस्तों, मैं अंदर गया था लेकिन अंदर जाने को अलाउ नहीं, उधर बंद कर दिया गया। इधर देख सकते हैं ये है ताज होटल, ठीक है।
तो दोस्तों अभी लगभग 10:30 बज चुके हैं, 10:30 पे रात में मैं आज आपको दिखाने आया हूँ मुंबई की नाइट लाइफ, गेट ऑफ इंडिया और मुंबई की सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज। तो दोस्तों मैं हूँ अभी गेट ऑफ इंडिया में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गेट ऑफ इंडिया का खूबसूरत व्यू दिखता होगा। और अभी मैं समुंदर के जस्ट सामने बैठा हूँ, अभी समुंदर में लग रहा खामोशी छाया है दोस्तों, समुंदर का पानी जरा सा भी हरकत नहीं कर रहा दोस्तों। और मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ना, सामने गेट ताज होटल है उसके सामने मैं खड़ा हूँ। और अभी नाइट में और कल 15 अगस्त की तैयारी में और बहुत ज़्यादा लाइटें वगैरह लगाया गया, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा देखने में, तो वही चीज़ मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाने आया हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल हूँ गेट ऑफ इंडिया में और गेट ऑफ इंडिया का व्यू आपको दिखाता हूँ आज की 14 अगस्त की रात में कैसे सजाया गया यहाँ पर, दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो मैं अभी आपको गेट ऑफ इंडिया भी दिखाया, रात में रात का व्यू दिखाया और फिर से मैं वापस आ गया यहाँ पे CST स्टेशन। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सजाया गया लाइटों से, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा देखने को आ रही है, और कोई भी ऐसा जो पब्लिक नहीं कि अपने फ़ोन से वीडियो नहीं बना रहे, सेल्फी नहीं ले रहे, फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे, ऐसे इतना सुंदर बनाया गया लाइटों से सजाया गया दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा देखने में। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मुंबई के महानगर पालिका का मुख्यालय है दोस्तों, देख सकते हैं। ऐसे इसे जो लाइट है ना, उसमें जो चक्र दिखाया गया, ये जो यहाँ पे लाइट दिख रहा ना, इससे वो चक्र वहाँ पर दर्शाया गया। और वो जो ऊपर और नीचे जो लाइट आपको दिख रहा ना, वो चारों तरफ से लाइट लगाया गया। और मैं अभी यहीं पर खड़ा हूँ, इसी ब्लॉग में मैंने आपको CST का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत व्यू भी दिखाया और गेट ऑफ इंडिया का व्यू थोड़ा सा दिखाया। तो जो भी था मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे जो भी था ऊपर में फुहारा भी लगाया वो भी मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ब्लॉग आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों अपने ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।